आप देख रहे हो हॉट न्यूज इंडिया, मैं अमराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मैं हूँ कनिका, और एक बार फिर से लेकर हाजिर है हम आज के दिन की टॉप 5 खबरें। पंजाब कांग्रेस का आधिकारिक ट्विटर हैंडल हुआ हैक। आपको बता दें कि लगातार लोकप्रिय हस्तियों के ट्विटर हैंडल के हैक होने की खबर सामने आ रही है। ताजी खबर पंजाब से सामने आ रही है कि पंजाब कांग्रेस का आधिकारिक ट्विटर हैंडल हैक कर लिया गया है। 20 घंटे बाद सेना ने हेलीकॉप्टर से लटकाकर 4 को निकाला बाहर। अभी भी 44 लोग फंसे, तारों से रेस्क्यू में हो रही है दिक्कत। आपको बता दें कि झारखंड के देवघर में त्रिकुट पहाड़ पर हुए रोपवे हादसे के दौरान सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से 4 श्रद्धालुओं का 20 घंटे बाद रेस्क्यू किया गया। अब भी 44 लोग हवा में लटके ट्रॉली में फंसे हैं। तारों के जाल के कारण एनडीआरएफ और सेना के कमांडो को रेस्क्यू करने में दिक्कत आ रही है। सुबह 6 घंटे के प्रयास के बाद हेलीकॉप्टर लौट आया था। अब दोबारा प्लान करके रेस्क्यू किया गया है। कमांडो एक ट्रॉली के गेट खोलने में कामयाब हो गए हैं और 4 लोगों को निकाला गया। ऑपरेशन में 2 हेलीकॉप्टर लगे हैं। स्थिति यह है कि रविवार की शाम करीब 4 बजे हुए हादसे के बाद 48 श्रद्धालु ट्रॉली में फंसकर हवा में लटक गए थे। दिल्ली में केंद्र की धान खरीद नीति के खिलाफ धरना, केसीआर और टिकैत एक साथ हुए शामिल। आपको बताना चाहेंगे तेलंगाना सरकार की ओर से दिल्ली में केंद्र की धान खरीद नीति के खिलाफ धरने का आयोजन किया गया है। इसमें तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और बीएसयू नेता राकेश टिकैत एक साथ शामिल हुए हैं। इसके अलावा तेलंगाना के सांसद MLC और अन्य नेता भी शामिल हुए हैं। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की आज वर्चुअल मीटिंग, कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के बीच आज वर्चुअल मीटिंग होगी। पिछले महीने ही क्लास लीडर्स की मीटिंग के दौरान दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हो चुकी है। यह बैठक 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग से पहले होनी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच मुलाकात द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करेंगे। यह मुलाकात दोनों देशों के बीच लगातार हाई लेवल एंगेजमेंट के रास्ते खोलेंगे। दोनों नेता साउथ एशिया के हालिया घटनाक्रम और साझा हितों के जुड़े वैश्विक घटनाक्रमों पर बातचीत करेंगे। रामनवमी के दौरान हॉस्टल में मांसाहार परोसने पर भिड़े ABVP और लिफ्ट गुट कई स्टूडेंट घायल, FIR दर्ज। आपको बता दें कि दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रविवार शाम छात्रों के 2 गुटों के बीच नॉनवेज खाने को लेकर हिंसक झड़प हो गई। इसमें कई छात्र घायल हो गए। ABVP सदस्यों ने लिफ्ट विंग पर रामनवमी पर पूजा नहीं करने देने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि आज रामनवमी पर दोपहर 3:30 बजे छात्रों ने पूजा और हवन रखा था। लिफ्ट विंग वालों ने वहां पहुंचकर पूजा नहीं करने दी, बाद में खाने पर भी विवाद की बात करने लगे। हिंसक झड़प के बाद दोनों ही गुटों के मेंबर्स ने थाने पर रात भर प्रदर्शन किया। इस मामले पर अब FIR भी दर्ज कर ली गई है। ये थी आज की टॉप 5 खबरें। यही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हॉट न्यूज इंडिया के साथ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और अपने कीमती सुझाव लिखकर जरूर भेजिए। अगर आप चाहते हैं कि घर बैठे आपको हर एक अपडेट मिलती रहे, तो हर एक अपडेट के लिए जुड़े रहे हॉट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।